आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव किडनी का ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर पहुंच गए। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खुशी का हर लम्हा होता है पास, पिता का साया जो होता है साथ, हर मुसीबत से लड़ना हमें सिखाया, गरीब वंचित शोषित समाज को उन्होंने अधिकार दिलाया। वीडियो में लालू यादव सिंगापुर एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर दिखाई दे रही हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी है। सफेद शॉल ओढ़े लालू को लोगों का अभिवादन करते देखा जा सकता है। रोहिणी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव की सर्जरी 5 दिसंबर को होनी है। वो सर्जरी के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें एक किडनी डोनेट करेंगी। कहा जा रहा है कि जब रोहिणी ने अपने पिता को किडनी डोनेट करने की बात कही थी तो लालू यादव इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बेटी रोहिणी के मनाने पर वो मान गए और अब 5 दिसंबर को उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है।